Sonia ko bata do. चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। जी नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम स्टार्ट ही है। आपको पता है कि हम वेस्टेज जो इस वक्त है हॉस्पिटल की वेस्टेज उस पर काम कर रहे हैं, और हमने जो पिछला शो भी किया तो उसी पे ही था। तो नाज़रीन, ये एक और गोदाम है, ये भी पिंडी के एरिया में, सवां के एरिया में वाक़ है। तो यहाँ तो आखिर ही हो गई है। ये देखें, टोटल जो गोदाम है डिपो से भरा पड़ा है और इसी से दाना बन रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ये जो बीमारी है जो इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है, ये अल्लाह ही माफ़ करे इनको, वरना ये बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए नाजरीन, बात ये कि अगर हम बात करें अपनी, तो ये चीज ये दोबारा वापस हमें ही आनी है। आज नाजरीन आप हमारे जो प्रोग्राम में वो ये भी देखेंगे कि इसका दाना कैसे बनता है। तो नाजरीन, ये दाना बनेगा आगे, इससे मुख्तलिफ शक्ल के दाने होते हैं, इससे पाइप बनता है, इससे निपल बनती है, इनसे ग्लास बनते हैं प्लास्टिक के, इनसे बहुत सी चीजें ऐसी बनती हैं जो हम रोजमर्रा के जिंदगी में यूज कर रहे होते हैं। और इसके बाद डिस्पोजिबल ग्लास बनते हैं, आपने वो भी देखा, और वो हेपेटाइटिस सी हम खा रहे होते हैं और हमें बन रहा होता है। तो नाजरीन, हमारी जानों के साथ ये खेला जा रहा है। ये देखें नाजरीन, ये भट्टी लगी हुई है, ये वाली ये भट्टी इनको है दूसरा आगे करती है। ये है, ये दाना पड़ा, ये पहले वाश होता है और उसके बाद इसको हीट दी जाती है, हीट के बाद ये आगे जाता है। इसके बाद जिस तरह ये आपने देखा कि हमने वो पहले मशीनें होती हैं, ये इसको करती हैं ऐसे गर्म, ज़्यादा ज़्यादा गर्म करती हैं। आगे ये भट्टी लगी हुई है, भट्टी का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये दाने की शक्ल में इख्तियार कर जाता है। और उसके बाद कुछ जो है क्वालिटी वाइज हैं, आपको पता है इनकी बहुत सी क्वालिटी होती हैं। तो ये देखें, ये दाना बन रहा है, ये दाना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये दाना, ये देखें ये दाना बन रहा है जो लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, ये दाना है जिससे ये प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ें बनती हैं, पाइप बनते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये दाने की, ये है दाने की शक्ल, ये वाली, इस तरह का दाना होता है, जिस तरह ये देखें, वाकई ये दाने की शक्ल का इख्तियार कर लेता है। उसके बाद ये आगे, ये भाई ये हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। उसके बाद इनके ये तोले हैं, ये इनमें बोरियों में पैक किया जाता है। अब इनका नहीं पता भी कि पर किलो के हिसाब से होता है कि जब बोरी के हिसाब से होता है। ये भाई हैं, इनसे भी जानते हैं कि दाना जो है, जी भाई जान आप बताएं, ये दाना जो है कैसे होता है और कौन से प्लास्टिक से बनता है? ये लोटे से प्लास्टिक ही बनता है, लोटे का ही है माल। ये क्या है, लोटा बनता है इसे? हाँ जी, जो मर्जी बना लो, पैप वगैरह जो मर्जी बना लो। अच्छा, कुछ भी बन सकता है इससे। जो दाना होता है मुख्तलिफ क्वालिटी का होता है, ये कौन सी क्वालिटी का दाना है? ये क्वालिटी का होता है ना दाना, A+, A+, 2+, 3+, इससे क्या बनता है, इस दाने से क्या बनता है? इसका सिर्फ पैक बनता है खाली। कौन सा पैक? हाँ जी साहब, बीबी वाला, बैरंग वाला, इस तरह का दूसरा जो लगे हुए। अच्छा, वो बनता है। हाँ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बनती? नहीं, इसकी नहीं, वो फैन बनती। अच्छा यार, जो आप उसमें गर्म करके ले कटिंग होके आ रहा है वहाँ से, हाँ जी, उसमें हॉस्पिटल वेस्टेज जो है जैसे डिब्बे हैं वो भी हमें देख रहे? नहीं नहीं, इधर नहीं आया, हमारे पास नहीं आते। अभी हमने देखी है वहाँ, कोई बेच आ गई होने माल, वैसे नहीं आ देगी यार। इतना आप साफ सुथरा काम कर रहे हैं, कोई एक अधी बेच आ गई हो, किस तरह आ गई आपने? बारह भर माल बोरा ना आता, फिर की कर सकते? और उसके बाद एक जो बड़ी अहम बात है कि यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, कोई ग्लव नहीं है, कोई मास्क नहीं है, वो क्यों नहीं आप दे रहे हैं? क्योंकि ये तो अलाउ है सारा। तो ये तो कंपनी का मजदूर है ना, इसे की कर सकते? कंपनी का ओनर कौन है? किधर गया कार अपने? कार किधर उसका? सिटी स्टॉप। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये जो चीज़ भी है बनने दे बस, ठीक है ना? ये आखिर जो है, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, ये पैप नहीं बनता,
इससे बहुत चीजें प्लास्टिक की बनती है, हो सकता है ग्लास बन रहा हो, कल को वो बन के आपके पास ही आ जाए, फिर किसको दे रहे हैं माल आप? इसका नहीं बनता पैर, ये माल किधर जा, माल किधर जा रहा है आपका? इसके बर्तन भी तैयार हो रहे हैं, ये बर्तन वाला माल और होता है, वो कौन सा माल होता? बाटा वाला होता है, वो पार्ले होता है, पार्ले फैक्ट्री में नहीं, इसमें इसमें नहीं है, ये पैर वैसे बनता था खाली, नहीं जूते बांट रहे हैं आप उधर खड्डा मार्केट में दे रहे हैं, वो प्लास्कट दूसरे जूतों वाले प्लास्कट है, इसका नहीं बनता, ये सिर्फ हार्ड माल सिर्फ पानी वाला पैर नहीं आया, दूसरा बैरंग बिजली वाली इसका ही बनता है, पानी पानी वाला पैर बनता है, पानी पानी लास्ट माल दूसरा भर जाएगा बैरंग वाला, और जो पानी इस्तेमाल, अच्छा ये इसके बाद कितने का ये पूरा आप सेल कर रहे हैं? पता नहीं कदे नहीं पूछा, किधर जाता है ये? इस्लामाबाद में होता है, इधर ही है मार्केट दे बेची, अच्छा इस्लामाबाद में भी इसकी मशीनें लगी हुई हैं, आगे सिर्फ आगे पैप बन देता जाके, पैप वाली मशीनें इस्लामाबाद में लगी हुई हैं, ये आपको हमारी विंडो में आपको नजर आ रहा होगा, ये भट्टी लगी हुई है, इसके तो ये प्रोसेस होता है, यहाँ से ये दाना बन के और आगे जाता है, मैं बताता हूँ कैसे ये बन रहा है, ये जो चीज है ये देखे, ये भट्टी लगी हुई है ये वाली, और इसमें ये सफाई, ये सफाई करके और कटिंग करके ये गर्म होता है, गर्म करते हैं, अच्छा भाईजान बात सुने, अच्छा ये पहले गर्म करते हैं, क्या करते हैं इसे? ये गर्म करते हैं यहाँ से, अच्छा जी ये आए आए मैम आज आज तो, अच्छा ये हमारे नाज़रीन को बताइए, अरे ये हमारे नाज़रीन को बताएं, ये यहाँ ये गर्म करते हैं, ये गर्म करने वाली मशीन है जी, गर्म करने वाली, अच्छा मशीन है, ये गर्म करके उसके बाद इधर डालते हैं जी मशीन में, तो ये कौन सा प्लास्टर होता है जिसका ये दाना बनता है? ये बोतल शैम्पू वाली दूरिया बोतल नहीं होती इसका, अच्छा ये नहीं मुख्तलिफ, एक तो का ड्रिप होती है और मुख्तलिफ, अच्छी क्वालिटी वाला है कि दूसरा लो क्वालिटी वाला ये दाना बनता है? अच्छी क्वालिटी वाला बनता है जी, अच्छी क्वालिटी, इससे क्या बनता है आगे? इससे आगे पाइप बनता है, जो पानी वाला पाइप नहीं होता, अच्छा इसके बाद पाइप बनता है जी, तो वो जो दाना है किस शक्ल का छोटा ब्रीक होता है जी, वो उधर दाना तैयार हो रहा है, अच्छा वो दाने के बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद किसी भट्टी में डालते हैं ये? नहीं बस डायरेक्ट मशीन जाता है, अगर मशीन में जाता तो मशीन उसे, मशीन में जिस तरह ये आग लगाई हुई है इसी तरह हीट लगा के तैयार हो जाते हैं, तो उससे वो पाइपिंग निकला जो, ये जो है मैं असल जो है बात ये है कि ये प्लास्टिक कौन सा है ये वाला? ये टीके वाला प्लास्टिक नहीं है, ये शैम्पू वाली बोतल नहीं होती, अच्छा वो है दूसरे आम बोतल ही होती है, दूसरे ड्रॉप वाली नहीं है, ड्रॉप से तो छोटा ड्रॉप नहीं होता कान में डालने वाला, वो अच्छा, है अच्छा, वो बस इसी तरह की बोतलें हैं, और दूसरा ड्रिप वाला कोई भी चक्कर नहीं है जी। अच्छा, नाज़रीन ये हमारे साथ मौजूद थे, ये हमने प्रोसेस आपको दिखाया, ये मशीन लगी ये गर्म करते हैं और इसके बाद इसमें डालते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस ये है, ये हमारा कैमरा मैन अगर दिखाता चले तो ये देखे भट्टी लगी हुई है, ये प्रॉपर भट्टी लगी हुई है और आगे ये चलता है, और हो सकता है आपने पहले ये ना देखा हो, पर आज हम आपको दिखा रहे हैं कि दाना जो है कैसे बनता है, तो आप भी इधर होते हैं? हाँ, तो ये हमारे हो सकता है ये ओनर है, उनसे ही बात करेंगे, पर ये देखें ये है, ये देखें ये इस तरह दाना बनता है ये वाला, ये पानी में जाता है और उसके बाद ये हो रहा है, ये जा रहा है, और उसके बाद ये इसकी ना मशीन लगी हुई है ये, और यहाँ ये कटिंग होता है ये दाना है, अब ये गर्म होगा, हाँ ये दाना बाल रहा है, ये दाना बाल रहा है, और उसके बाद ये पैकिंग होती है, ये गोदाम है, ये पूरा गोदाम है, तो भट्टी साहब ये जो दाना बन रहा है, हम वही बात कर रहे हैं कि ये दाना उसी बोतलों से बन रहा है, और उसके बाद ये जो भी कर इससे बनाए फीडर बनाए, फीडर की निप्पल बनाए, इसके पाइप बनाए, तो क्या कहेंगे सर? सादी सी बात है जनाब, उधर हॉस्पिटल बेसरे देखी, यहाँ पे दाना आपको मशीनें देख ली, मतलब कैसे प्रोसेस हो रहा है दाने का, यहाँ पे कितना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, ये लोग काम कर रहे हैं, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई बाहर, जो इनका लड़का खड़ा हुआ था उससे बात हुई, मैंने उससे पूछा यार जो लेबर आपकी काम कर रही है इसके आपने को मेडिकल करवाए हुए हैं? उसने मुझे कहा कि सर यहाँ पे पोजीशन ये है कि दो लोग आ जाते हैं दो चले जाते हैं, तो हम मेडिकल कैसे करवाएंगे? लेकिन वहाँ पे वटू साहब मैंने देखा उन बच्चों औरतें काम कर रही हैं, ये बच्चे काम कर रहे हैं, इनको ज़रूरी हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, मतलब इनको पैम्फलेट नहीं दिया गया, इनको जो है ना वो नहीं दिया गया, कोई ऐसी दस्ताने नहीं दिए गए जो हाथों पे चढ़ाएं, ताकि ये एक तो ये बीमारी है, ये पैप बनेंगे या फीडर बनेंगे या जूते बनेंगे, जो कुछ भी बनेगा बनना तो है, बनाने के लिए ये चीज़ें बेच रहे हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं बेचता ना, तो दूसरी साइड पे इनके मजदूरों की हालत देख लें कि मजदूरों की चलो तनख्वाह ठीक है, ये कह रहे हैं कि 20-22 हज़ार रुपये हम तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन 20-22 हज़ार तनख्वाह देने के बाद आया कि जो आदमी आपका गंद कचरा साफ कर रहा है वो बचेगा या नहीं बचेगा, ये मालूमात इनके मालिक के ये भाई आए हुए इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, हमें बताने की जरूरत साहब आप एक बात और भट्टू साहब मैं आपको बताऊं कि यहाँ और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं दाना बनाने वाली, अभी यहाँ पर हम आए हम दूसरी साइड पर जाएंगे वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी सेम पोजीशन है, ये सेम पोजीशन पर काम हो रहा है,
ये माफिया है सर, इतना बड़ा माफिया है, इनसे पूछो एनवायरमेंट वालों को लाइसेंस आपके पास, ये आसके दिखा देंगे ही, ठीक है। इनसे पूछो कि आपने मेडिकल करवाए हैं बच्चों के, ही आसके दिखा देंगे। ये नहीं कि कोई फिजिबिलिटी इनके पास मौजूद नहीं होती, किसी किस्म की फिजिबिलिटी मौजूद नहीं। आएगा इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे जो डीजी साहब हैं वो एनवायरमेंट की बहुत मुस्तैद है, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन हमें उनका काम होता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं जो आपको दिखाया कि ये दाना कैसे बनता है, और इसकी सब चीज़ें जो है हमने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाई कि ये ड्रिप और सरिंज मुख्तलिफ क्वालिटी के और कैटेगरी के दाने का होता है सिस्टम, जिस तरह एक प्लास्कट है, एक ए प्लस, टू प्लस, थ्री प्लस, ये 11 किस्मों का है। तो इसी तरह दाना भी है जो वो उसकी भी किस्में हैं, एक से पाइप बनता है, एक से निपल बनती है। पर नाज़रीन वही जो चीज़ है, असल जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ जो है मुलाजमीन वो काम कर रहे हैं, उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ या उसके कोई है नहीं ऐसी जिससे वो पता चले कि यार ये काम हो रहा है। और ये पता एड्स है, और जो हमारे मजदूर लोग हैं वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हो सकता है 10 से 15, 20 हज़ार, ज़्यादा 25 हज़ार सैलरी हो सकती है। तो जानते हैं हमारे जो इस दाना बनाने वाली फैक्ट्री है उसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या आपने ऐसा तहफ़्फ़ुज़ या कोई होता है, ग्लव हो या कोई ऐसा भी मास्क हो, कोई ऐसी चीज़ें आप देते हैं जिससे चलो है, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है, उनको भी पता है कि ये साफ सुथरा माल है, कोई इसमें कोई ड्रिप वगैरह कोई हॉस्पिटल का तो माल नहीं है कि जिसमें उनको कोई इशू हो। जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमने सब कुछ दिया, मैंने अभी आप फुटेज हमारी में नजर आ रही होगी सारी चीजें, कि उसमें तो कोई ऐसी चीज हमें देखने में नजर नहीं आई, वो तो सादा हाथ ऐसे, ठीक है ना, उतार भी दे देते हैं, वो उतार के रख भी देते हैं, बीच में डाले भी हुए, आपने वो भी देखे हैं, चेक किया आपने? बिल्कुल चेक किया, मुझे तो किसी के पास कोई नजर कोई चीज नहीं आई, पहने भी है किसी ने उतार के रखे हुए हैं। भैया पता क्या, मैं गलत बात नहीं करता, मैं आपको सामने जो फुटेज है, मेरे पास जो फुटेज है उसमें तो कुछ भी नहीं है भाई। देखे उतार के गंदे हो जाते हैं, जब उनको मिट्टी लग जाती है वो धो के रख देते हैं, हो सकता है आपने उस वक्त की पिक्चर ले ली हो। मैं ये बात जो है ना, मैं उस वक्त की पिक्चर, मुझे अभी हालिया 4-5 मिनट पहले मैंने फुटेज ली है, तो वो उस वक्त उन्होंने ऐसा कर लिया जल्दी जल्दी, ये भी हो गया दोपहर का उन्होंने खाना खाया उधर रखे होंगे। नहीं नहीं, जब मैं आया हूँ, जहाँ मैं इंटर हुआ हूँ भाईजान, जब मैं इंटर हुआ हूँ तो उस वक्त मजदूर काम कर रहे थे, किसी के पास कुछ नहीं था। चले ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, आपने नहीं देखे होंगे भाई, मैं तो नहीं कहता हूँ कि आपने देखे। तो नाज़रीन ये हमारे साथ ऑनर मौजूद थे, देखें एक तो जो है गलती है उसको मानना भी, हमारे मुसलमान जो है वो मानते भी नहीं है, सीधी बात है। तो नाज़रीन देखें अगर जो गलत काम है, सब कुछ दिया हुआ है ना, हमने सब कुछ दिया हुआ उनको, दस्ताने दिए हुए हैं और उनको बाहर सहूलत दी हुई है इधर। मेरी जान यहाँ ना तो दस्ताने मुझे नजर आए हैं, ना मास्क नजर आया है, आप कैसे कह रहे हैं कि डाल देते होंगे इधर? अच्छा आप उनको सैलरी कितनी दे रहे हैं? सैलरी इनकी होती है 20,000-25,000। अच्छा, तो अभी तक मुझे तो कोई ग्लाफ नजर नहीं आया, कोई मास्क नजर नहीं आया, आप कह रहे हैं हमने दिए हुए, कहाँ दिए? चलो मुझे दिखा दो, कोई आपके पास पड़ा है? नहीं आप चलो नहीं नहीं चलो, ये खराब हो जाता है ना, आपके पास उसके बैकअप पे भी कोई चीज बड़ी होती है ना, खत्म हो जाती है। मेरे पास मैंने खुद नहीं लगाए हुए अभी, मेरे पास तो अभी मेरे पास से भी स्टॉक में भी खत्म हुए हैं, मैं तो नहीं हूँ बाहर, तो मैं जो लेके आ जाऊँ। तो नाज़रीन ये देखे तो फिर मैं ला के दे दूंगा। देखिये नाज़रीन, जैसे पहले हमने एक, आपको पता है हॉस्पिटल की वेस्टेज पे हमने एक गोदाम सील किया, और दो बंदे जो थे उनको हमने FIR करवाई, और बता इंतजामिया बकायदा ये देखो। तो अभी भी ये भाई जो है हमारे साथ गलत बयानी कर रहे हैं, हमने जब सबसे पहले आए तो हमने ये चीज़ें विजिट की, किसी के पास कोई ग्लाफ नहीं था, किसी के पास कोई मास्क नहीं था, वो लेडीज़ पास बैठी हैं, अगर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था। अभी 2-3 मिनट पहले की बात है, तो मुझे आज के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें, और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए लेकर इससे भी अच्छा लेकर हाजिर होऊंगा। जो ये प्रोग्राम है ये बहुत अहम प्रोग्राम था, क्योंकि ये हॉस्पिटल की वेस्टेज, और उसके बाद ये कैसे ये बनता है, दाना बनता है। तो नाज़रीन अभी मुझे दे इजाज़त, और नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद मैं हाजिर होऊंगा और आपको मज़ीद इंकशाफात दिखाऊंगा। डिस्पेंसर जो दे आपको फौरन ठंडा पानी।
बड़े फ्रिज और हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ। कैनन वाटर डिस्पेंसर अब तीन मुख्तलिफ रंगों में। आप ही ने बुलाया है। आ जाओ अंदर। कितना प्यारा खिलौना है। थक गए होगे? आपको देख के सारी थकान दूर हो गई। ओ मेरा बच्चा, अच्छा किया तुम इसे ले आए। इसके ऊपर रहता तो ये कभी भी ना आता। कैसे मिस ना करता माँ जी। और काम कैसा चल रहा है? आपके भरोसे सब कुछ अली जा रहा है। इधर आओ अली, दादो भी पढ़ रहे हैं ना। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर सब साथ मिलके बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है? जाओ। ये बहू, इनकी किसी बात का बोरा